इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं बता दूं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है मध्य प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। जी, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है और मैं बता दूं कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए जो है 8 नई उड़ानों को मंजूरी प्रदान की है। जी, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है मध्य प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात दी है और ये सभी उड़ान जो है स्पाइस जेट की होंगी। जी, सभी जो उड़ान है स्पाइस जेट की होंगी। और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अब सेवाओं को जो है मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं को और बेहतर करेंगे, तो वो जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के नव नियुक्त नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पदभार ग्रहण करने के बाद जो है सीधा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने जो है जानकारी के मुताबिक, आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए जो है स्पाइस जेट की 8 नई उड़ानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसका संचालन जो है आगामी 16 जुलाई तक प्रारंभ होगा। जी, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है और मैं बता दूं कि उड़ानें इस तरह से होंगी, अहमदाबाद से ग्वालियर, ग्वालियर से अहमदाबाद, ग्वालियर से मुंबई, मुंबई से ग्वालियर, ग्वालियर से पुणे, पुणे से ग्वालियर, जबलपुर से सूरत, सूरत से जबलपुर। जहां इन उड़ानों के प्रारंभ होने के बाद जो है मध्य प्रदेश के नागरिकों का देश में संपर्क बढ़ेगा, जिसका लाभ जो है पर्यटन उद्योगों को भी मिलेगा। जहां और इस केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मध्य प्रदेश को नई सौगात दिए जाने, नई उड़ान की सौगात दिए जाने से जो है उनके गृह जिले ग्वालियर के लोगों में भी बड़ी खुशी देखी जा रही है। जी, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को जो है बड़ी सौगात दी है। जैसा आपने जाना इस अपडेट में, ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।